एजुकेशन, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक क्या क्या पढ़ लिए थे पता है? पावर सेट कर रहे थे। और एक बात और सॉरी बोलना चाहूंगा कि कल लेक्चर नहीं आ पाए थे कुछ कारणवश, तो आज से फिर मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और आज सेट थ्योरी का ही नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वेन डायग्राम। तो डायग्राम से तुमको पता चल रहा है कि कोई फिगर या कुछ डायग्राम की बात हो रही है? तो हाँ एग्जैक्टली डायग्राम की बात हो रही है। तो वेन डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कोई भी सेट है, सेट ए लिए, सेट ए उसमें एक एलिमेंट है, कोई भी सेट है, और अगर उस सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम के थ्रू, मेरी बात फिर से सुनना, कोई भी सेट है और अगर उस सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम के थ्रू, उसको कहते हैं वेन डायग्राम। मतलब सेट इज क्या? सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम। सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम कॉल्ड और क्या वेन डायग्राम। तो सिंपल कोई भी सेट हो और अगर उस सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम से, तो उसको कहते हैं वेन डायग्राम। समझ गए होंगे? अब एक दो पॉइंट है, वो दो पॉइंट समझ लेना, नोट पॉइंट। फर्स्ट नोट पॉइंट क्या है कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल? समझ गए होंगे? तो सेट वेन डायग्राम क्या कहते हैं? कोई भी सेट को अगर हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। तो पहला नोट पॉइंट मैंने ये लिखा है कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, और जितने भी सेट्स हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सर्किल से। तो सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल। तो समझ आ गया होगा। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छी तरीके से। एक एग्जाम्पल लिए, ए लिए, ए सेट तुम्हारा है 2 3 5 8 9, 2 3 5 8 9। और एक बी सेट लिए, बी सेट क्या है? बी सेट मान लो है 8 और 9, ठीक है। और एक यूनिवर्सल सेट ले लिए, यूनिवर्सल सेट ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ए सेट लिए 2 3 5 8 9, बी सेट लिए 8 और 9, एलिमेंट है वो। और यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो मैंने क्या बोला कि यूनिवर्सल सेट है, इसका सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे। बना लिए, तो ये क्या बताता है यूनिवर्सल सेट? कोई दिक्कत नहीं। अब डायरेक्ट इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कोई दिक्कत? ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जल्दी, कोई दिक्कत नहीं। अब ए सेट क्या है? 2 3 5 8 9। तो मैंने सेकंड पॉइंट क्या लिखाया है कि सेट को रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल से। तो 2 3 5 8 9, तो 6 को ना दूं कहां? 6 को कहां लिखोगे? 6 को ना दूं यहां लिख लो, तो सर्किल बन जाएगा अच्छी तरीके से। 2 3 5 8 2 3 5 8 9। तो अब इसको हम लोग सर्किल से ड्रॉ कर दें, और ये सर्किल किसमें? इसके अंदर ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो नहीं। अब 8 9 है, तो 8 9 कहाँ पे है? 8 9 कहाँ पे है? यहीं पे तो है, समझ गए? तो ये तुम्हारा क्या है? सेट ए है, और ये तुम्हारा क्या है? सेट बी है। यही तो वेन डायग्राम है। किसको किसको
समझ आ गया। देखो सिंपल है, वेन डायग्राम किसको कहते हैं, कोई भी सेट को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम से तो उसको हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, और जितने भी सेट हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल से। एग्जाम्पल के लिए एक लेट ए सेट माने इसका एलिमेंट था 2, 3, 5, 8, 9, एक बी सेट माने इसका एलिमेंट था 8 और 9, और एक यूनिवर्सल सेट माने इसका एलिमेंट था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमको पता था कि यूनिवर्सल सेट को किसे ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल से, और 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 हम लोगों ने सर्किल में इस रेक्टेंगल में भर लिया। अब सेट ए है 2, 3, 5, 8, 9, तो मैंने बताया है कि जो सेट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल से, तो 2, 3, 5, 8, 9 को सर्किल कर दिए। फिर इसके बाद क्या बचा, 8, 9, तो 8, 9 तो इसी के अंदर है ना, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सेट बी हो गया। बस इसी को कहते हैं वेन डायग्राम। समझ में आ गया होगा सबको, हम लोग वेन डायग्राम समझ गए। वेन डायग्राम क्या होता है, जब सेट को रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम से, और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, और जितने भी सेट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सर्किल से। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है ऑपरेशंस ऑन सेट। क्या नाम है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक इस पहला है यूनियन सेट। क्या है, यूनियन सेट। तो देखो बहुत इजी है, बस समझने का मतलब खेल है, बहुत इजी टॉपिक है यूनियन सेट। तो चलो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, यू लिख दो सिंपल। कैसे होगा, यू लिख दो सिंपल। अब इस यू का मतलब क्या होता है, इस यूनियन सेट का मतलब क्या होता है, तो सिंपल याद रखना इस यूनियन सेट का मतलब क्या होता है। इस यूनियन सेट का मतलब होता है और, अब और इंग्लिश वाला और नहीं, और ये वाला और हिंदी वाला और, क्या इंग्लिश वाला और नहीं, इसका वाला हिंदी वाला और क्या होता है, और क्या होगा, और एक होगा, एक और बोथ। फिर से देखो मैंने क्या बताया, ऑपरेशंस और सेट में फर्स्ट यूनियन सेट, ठीक, ये सिंबल होता है और, मतलब और हिंदी वाला और इंग्लिश वाला और नहीं, और ये बोथ। इतना समझने में किसी को दिक्कत, बस इतना समझो, अभी इसके आगे मैं समझाने वाला हूँ। अब हम लोग दो सेट लेते हैं, क्या लेते हैं, दो सेट, एक ए सेट लेते हैं, इस सेट में एलिमेंट डालते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो बिल्कुल आराम से समझना है, कोई हड़बड़ाना नहीं है, एकदम टाइम है हम लोग के पास। मैं ये गारंटी देता हूँ कि 11th का सिलेबस मैं दिसंबर के लास्ट तक खत्म करूंगा, आराम से समझते हैं। एक ए सेट लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें एलिमेंट लिए, और एक बी सेट लिए। क्या लिए बी सेट, पी क्यू आर एस 1, क्या क्या किए, इसका मतलब तो समझ गए हम, क्या किए, एक ए सेट लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें एलिमेंट है। एक बी सेट क्या लिए, पी क्यू आर एस 1, 2, इतना किसी को दिक्कत। तो यूनियन सेट क्या होता है, तो तुमको क्या, ए यूनियन बी होता है, ये इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको क्या पढ़ेंगे, कोई बता सकता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे ए यूनियन बी। क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी पढ़ेंगे। तो तुमको यही तो पता लगाना है कि ए यूनियन बी क्या होता है। तो सिंपल इक्वल टू डालना, सेट ऐसे लिख लेना, ठीक है, ऊपर वाले जितने एलिमेंट सबको लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब सेट बी में जरा आओ, तो 1, 2 है सेट बी में, पहले ये पी क्यू आर लिख दो, ये पी क्यू आर देखो तो सेट ए में तुमको कहीं दिख रहा है, बोलो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख दो पी क्यू आर एस, लिख दिए ना, 1, 2 दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है 1, 2, तो 1, 2 नहीं लिखेंगे, समझे कि नहीं समझे। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, एक सेट ए लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका एलिमेंट है, और एक सेट बी लिए पी क्यू आर एस 1, 2, ठीक है। तो तुमको यूनियन निकालना था, ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होता है,
ए यूनियन बी, मैंने यहां लिख दिया है, ध्यान से पढ़ लेना क्या मतलब होता है, क्या बोलते हैं इसको, पढ़ते हैं ए यूनियन बी, और ये क्या लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 ए का पूरा एलिमेंट लिख दिया, और पी क्यू आर एस बी का भी एलिमेंट लिखा, लेकिन दो एलिमेंट, ये दो एलिमेंट नहीं लिखा, ये दो एलिमेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ए में था वो एलिमेंट। इतना समझ आया किसी को, इसमें कोई दिक्कत तो सुनो क्या होता है यूनियन सेट। तो पहले इसको इंग्लिश में पढ़ लिखना, तो लेट क्या किए, देयर आर टू सेट्स, दो सेट हमारे ना, लेट देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, लेट देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी, दैट यूनियन ऑफ ए एंड बी इज ए, इज ए सेट हैविंग, इज ए सेट हैविंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। अब कौन कौन इसका मतलब समझा, कौन कौन समझा, कोई नहीं समझा, तो अब समझाता हूं मैं इसको अच्छे तरीके से। देखो लेट देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, तो हम लोगों ने दो सेट लिया ए और बी, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी, तो इसका ए यूनियन ऑफ ए एंड बी का क्या होगा, इसका यूनियन निकालना था तो यही तुम लोगों ने निकाला, तो क्या होगा, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए का सभी एलिमेंट्स, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, मतलब ए यूनियन बी क्या होगा, सेट ए का सभी एलिमेंट और सेट बी का सभी एलिमेंट। लेकिन एक बात याद रखना, वो क्या, रिपीटेड एलिमेंट्स, अगर सेट ए में एलिमेंट सब ले लिए और बी में अगर कोई रिपीटेड एलिमेंट्स आ रहा है, उस एलिमेंट्स को हम लोग नहीं लेंगे। समझ गए, सिंपल ये समझो कि जैसे ये सेट एलिमेंट है, सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट है पी क्यू आर एस टी 1 2, तो यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4 5 6 पी क्यू आर एस टी, लेकिन 1 2 नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो इसमें आ चुका है। तो सिंपल, जितने भी एलिमेंट है सेट ए के और जितने भी एलिमेंट है सेट बी के, वो दोनों इसमें आ जाएगा, तो इसको कहेंगे ए यूनियन बी। समझ गए होगे इसका मतलब। अब इसका नोटेशन कैसे लिखेंगे, नोटेशन तो सिंपल है, क्या कैसा नोटेशन होगा, सेट होगा, एक्स एलिमेंट कैसा होगा, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, तो एक्स कैसा एलिमेंट होगा, जिसमें ए का भी सेट ए भी हो और सेट बी भी हो, मतलब सेट ए का भी एलिमेंट हो और सेट बी का भी एलिमेंट हो। इसका हिंदी लिखना है तो हिंदी लिख लो, इसके अंदर सेट ए का भी एलिमेंट हो, सेट ए का भी एलिमेंट हो और सेट बी का भी एलिमेंट हो, एलिमेंट हो, तो यही ये नोटेशन होगा। सबको समझ आ गया होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, सिंपल समझो ना, ए यूनियन बी मतलब दो सेट है या दो से ज्यादा सेट है, तो तुमको सेट ए का भी एलिमेंट लेना है, सेट बी का भी एलिमेंट लेना है, सेट सी का भी एलिमेंट लेना है, लेकिन तीनों का रिपीटेड एलिमेंट नहीं लेना है, तो वही करना आएगा ए यूनियन बी। सबको समझ आ गया होगा। तो ये सेट कैसा बना, एक्स एलिमेंट इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स एलिमेंट जो होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए ए एलिमेंट का भी और बी सेट के भी एलिमेंट्स का। सिंपल, समझ गए होगे सब आराम से, समझ गए ना, तो अच्छी बात है। अब तुम लोग बोलोगे, सर आपने तो यूनियन सेट बता दिया कि दोनों एलिमेंट्स होने चाहिए यूनियन सेट में, सेट ए के भी एलिमेंट्स आएंगे, सेट बी के भी एलिमेंट्स आएंगे, तो सर इसका वेन डायग्राम क्या होगा। अब मैं बता रहा हूँ वेन डायग्राम, फर्स्ट आराम से समझते जाओ। और एक बात, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लाइक बटन प्रेस करना, या लाइक बटन से कॉन्फिडेंस मिलता है अपने को, लाइक बटन प्रेस करना, जितना ज्यादा उसके अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन प्रेस करना, और शेयर तो करना ही, शेयर में कमी मत करना, जितना तुम शेयर कर सकते हो करना। तो चलो वेन डायग्राम बनाते हैं यूनियन सेट का।
तुमको पता है कि सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, और यूनिवर्सल सेट क्या होता है जरा बताना। तो यूनिवर्सल सेट होता है रेक्टेंगल। बना दिया, बना दिया नहीं, ये तुमने क्या करा दिया यूनिवर्सल सेट, इसमें तो कोई जगह नहीं, अब दो सेट बनाना है। तो तुमको पता है ये ऐसा सेट बनेगा, सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी। अब तुमको इसके सभी एलिमेंट्स होते हैं यूनियन सेट, तो सभी एलिमेंट ले लो ना, कौन रोका है सभी एलिमेंट लेने में, कोई रोका है क्या सभी एलिमेंट लेने में, किसी ने रोका है क्या? या चाहे ऐसे फिगर बना लो, ऐसे भी बना लो, इसमें सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं, किसी ने रोका है क्या? तो ये क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। समझ आ गया इसका वेन डायग्राम? एग्जांपल तो मैंने बता दिया। अब ये ऐसा फिगर क्यों बना? क्योंकि भाई तुमको सब ए का भी एलिमेंट और बी का भी एलिमेंट आता है ना यूनियन में, तो बस इसको ऐसे करके बना लेगा। अब वेन यूनियन सेट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या होता है प्रॉपर्टीज, क्योंकि सभी चीज का तुम किसी भी चीज कोई भी चीज पढ़ते हो ना, उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होता है। इसी तरह से यूनियन सेट का भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, पूछो सबसे सब क्या है। तो देखो ए यूनियन बी, कोई दिक्कत बोलो नो सर, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा छोटा हो जाएगा, नीचे लिखते हैं, क्या दिक्कत है? ए यूनियन बी, कोई दिक्कत बोलो नो सर। तो क्या तुम इसको बी यूनियन ए नहीं लिख सकते? बोलो लिख सकते हैं सर। ये कैसे? तुम लोग क्लास टेंथ में, क्लास नाइन्थ में, क्लास एट में कम्युनिटी प्रॉपर्टी पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? इसको हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं? कम्युनिटी पढ़े हो ना, ये कम्युनिटी प्रॉपर्टी है। अगर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए नहीं होगा? बोलो होगा सर, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा प्रॉपर्टी, ए यूनियन ए क्या होगा? अरे बोलोगे सर मिलाक कर रहे हो क्या मेरे साथ, ए यूनियन ए ए ही तो होगा। अब ये बात किसको समझ नहीं आई, सबको आ रही होगी। तीसरा जो थोड़ा मैंने बताया नहीं है, अगर मानो जरा तीन सेट हो, कितने सेट हो? तीन सेट हो, तो ए यूनियन हो और बी यूनियन सी हो, तब क्या करोगे? कुछ नहीं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे मैथ में, एडिशन में। तो सिंपल तुम ये नहीं ऐसे लिख सकते हो, कैसे? ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों बता रहा, इसको हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। समझ आ गया इतना? तीन तो आराम समझ आया होगा यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। चौथा प्रॉपर्टी, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। अब यहां मामला फंसेगा, बोलो क्यों क्यों फंसेगा? एक बात बताओ, यूनिवर्सल सेट क्या कहते हैं? नहीं जानते हो? नहीं जानते हो के? जो न्यू बच्चे आएंगे वो तो एकदम नहीं जानते होंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो उन्होंने तो मेरा लेक्चर देखा ही नहीं है, तो यूनिवर्सल सेट उनको पता ही नहीं होगा। लेकिन जो मेरे पुराने बच्चे होंगे, जो मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे, जो पुराने बच्चे होंगे वो जरूर देखे होंगे, तो उनको पता होगा कि यूनिवर्सल सेट मैंने बताया है। जो नए हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके देख लें थर्ड लेक्चर और सेकंड लेक्चर, उनको यूनिवर्सल सेट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो एक बात बताओ, यूनिवर्सल सेट में तो सभी नंबर आएंगे और ए सेट में मानो कुछ नंबर है, तो क्या ये यूनिवर्सल सेट में नहीं आएगा? इसका इसका ये नहीं होगा, यूनिवर्सल सेट में ही होगा, होगा ना? कैसे होगा तो बताओ। जैसे मानो ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है, तो एक बात बताओ, इस ये जो ए है तो इसके अंदर तो अप्रोक्सीमेटली पूरी आ गई ना, मानो 1 2 3 4 5 है और यूनिवर्सल सेट में सभी नंबर है नेचुरल नंबर। तो एक बात बताओ, सभी नेचुरल नंबर अगर यूनिवर्सल सेट में है तो ये 1 2 3 4 तो खुद ब खुद इसमें आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? यूनियन ही तो कहलाएगा। समझ आ गया कि नहीं? यूनिवर्सल ही तो कहलाएगा। समझ आ गया कि नहीं? आया नहीं आया तो फिर से समझो, ये ब्लैक मार्कर यूनिवर्सल सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, और ये सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो यूनियन क्या होता है, मतलब इस दोनों का सभी एलिमेंट्स आने चाहिए। तो एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 तो इसमें भी होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो ये सेट ए तो पूरा इसी में है,
है ना। तो यूनिवर्सल इसको नहीं कर सकते हैं, ए यूनियन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल से कर सकते हैं कि नहीं बोलो, यस सर कर सकते हैं। समझ आ गया, आ गया होगा। छठा प्रॉपर्टीज, सिक्स प्रॉपर्टीज, ए यूनियन नल सेट क्या होगा, ए होगा। ये बात किसको किसको समझ आई? अगर ये बात समझ नहीं आई तो ये तुम्हारा एच डब्ल्यू है, ये बात तुम सर्च करके आना कहीं से भी, किसी से भी, कि ऐसा क्यों होता है। और अगर पता चल जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। समझ गए, समझ गए होगी बात। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। और एक बात मैं बात कर बोलना चाहूंगा कि आप और किसी चैनल पे मत भटको, इस चैनल पे आपको 100% 11th और 12th की एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का भी आ रहे हैं, केमिस्ट्री के भी आएंगे, बायोलॉजी के भी आएंगे, एक एक पॉइंट। और जल्द ही मैंने क्या, और जब ये सेट थ्योरी खत्म हो जाएगा, जब ये सेट थ्योरी का लास्ट लेक्चर किस दिन होगा मैं उस दिन बता दूंगा कि ये दिन लास्ट लेक्चर है। उस फिर से सुनो, सेट थ्योरी का जिन दिन लास्ट लेक्चर होगा उस दिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेट थ्योरी के सभी नोट्स मॉड्यूल मिलेंगे इडुविस्टा की तरफ से, इडुविस्टा एजुकेशन की तरफ से मॉड्यूल आपके लिंक में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरसेक्शन, बहुत ही इजी है, जैसे यूनियन है ना वैसे इंटरसेक्शन है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट। समझते हैं इंटरसेक्शन। एक बात जरा बताना, पूछो क्या सर, बोलो क्या तुम एक बात बताओ, यूनियन में क्या लिखते थे, ऐसे इंटरसेक्शन में जस्ट इसका समझे, मतलब उल्टा। यूनियन में इसका, यूनियन का मतलब होता था सिंपली, हम लोग समझते थे क्या, और हिंदी वाला और बोथ। लेकिन इसमें क्या समझते हैं, पूछो सर से, इसमें समझते हैं एंड, क्या एंड और कॉमन। अब ये एंड और कॉमन क्या होता है, तो तुमको कॉमन से कुछ समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, चलो ना एक एग्जांपल से समझाते हैं इंटरसेक्शन आराम से। दो सेट लो, लेट एक सेट मानते हैं ए, इस सेट में नंबर मानते हैं ये है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, और एक बी सेट भी लेते हैं, क्या पूछो क्या, तो बी सेट लेते हैं थ्री फाइव, थ्री फाइव और क्या वन लेते हैं और सिक्स भी लेते हैं, कोई दिक्कत। दो सेट लिए, एक सेट में वन टू थ्री फोर एलिमेंट लिए, बी सेट में थ्री फाइव वन सिक्स एलिमेंट लिए, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मुद्दा तो ये है। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको क्या पढ़ते हैं, फिर से सुनना मेरी बात, इसको क्या पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, क्या पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो अब क्या होगा, तो तुमको मैंने अभी बताया ना कॉमन, इसका मतलब क्या कॉमन, तो जरा कॉमन ना, दोनों कॉमन क्या है, वन है और क्या है, वन है, वन यहाँ भी है, थ्री है, थ्री यहाँ है, और कुछ कॉमन है क्या, और कुछ कॉमन दिख रहा है तुमको, बोलो, नहीं नहीं दिख रहा कुछ कॉमन, तो यही कहलाएगा इंटरसेक्शन। तो सिंपली मानो दो सेट लिए हम लोग, लेट देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, तो इसका इंटरसेक्शन सेट क्या होगा, दोज एलिमेंट विच आर इन ए एंड बी, मतलब दोनों में हो, ए में भी हो और बी में भी हो, इसका डेफिनेशन समझते हैं, लेट देयर आर, फिर समझाएंगे और अच्छे तरीके से, वेट करो बस वेट, लेट देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट लिए ए एंड बी, देन देयर इंटरसेक्शन, देन देयर इंटरसेक्शन इज ए सेट, इज ए सेट क्या, हैविंग, हैविंग क्या, दोज एलिमेंट, हैविंग दोज एलिमेंट विच आर इन ए एंड बी। एक मिनट बैठ के समझ कर क्या पीरियड उठा लेते हैं, तो समझते हैं इंटरसेक्शन, ये तो समझ गए ना, एग्जाम्पल दोनों का कॉमन जो होगा वही इंटरसेक्शन सेट कहलाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है, तो हम समझाते हैं और अच्छे तरीके से, तो क्यों टेंशन ले रहे हो। ये सेट ए है, इसमें एलिमेंट है वन टू थ्री फोर, ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट है थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक। तो ए
दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो गए वही इंटरसेक्शन हो गए। तो इसमें 3 4 था ना, और इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 तक था, इसमें क्या था 3 4 बस था। तो क्या हो गया 3 4 क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो वही क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा। एक और समझो, इसमें 1 2 3 4 5 6 है, इसमें पी क्यू आर 1 2 है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 1 2 कॉमन है ना, इसमें भी 1 2 है और इसमें भी 1 2 है, बस यही कॉमन है, तो यही क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन किसका, ए और बी का। वही लिखे हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी था वहां पे, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब इसका नोटेशन क्या होगा, इंटरसेक्शन मतलब समझो सिर्फ कॉमन जो दोनों सेट में होगा वही क्यों का, तीन सेट होता था, तीन सेट में जो कॉमन होता वो इंटरसेक्शन कहलाता। समझ आ गया, बोलो यस सर। अब एक एग्जांपल एग्जांपल क्या, अब इसका नोटेशन लिखते हैं, नोटेशन क्या, नोटेशन नोटेशन कैसे क्या होगा, एक्स इज एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे एक बात है बहुत बड़ी, तुम तो बोलोगे सर वहां भी एक्स बिलोंग्स टू ए था यूनियन में भी और एक्स बिलोंग्स टू ए था, तो इस दोनों में अंतर क्या हुआ सर। लेकिन दोनों में तो बहुत बड़ा अंतर आपने बताया, इसमें कॉमन लेते हैं लेकिन उसमें कॉमन नहीं था, उसमें दोनों के एलिमेंट्स ए और बी के दोनों एलिमेंट्स जो होते हैं यूनियन होते हैं, साथ में जो होते हैं, उसमें ये बताया, लेकिन इसमें तो सर आपने कॉमन बताया, तब हम इंटरसेक्शन को कैसे, तब ये कैसे सेम हो गया। एक बात गौर करो, क्या उसमें मैंने नोटेशन में और लिखा था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है बताओ जरा, यहाँ पे मैंने लिखा एंड, जो कि सबसे बड़ा डिफरेंस है उस सेट का और इस इंटरसेक्शन सेट का। समझ गए होगे, सिंपल है, दो मार्कर है, इस दोनों मार्कर में जो कॉमन है वही इंटरसेक्शन है ए और ए इंटरसेक्शन बी का। अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, दोनों जो कॉमन होगा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इस दोनों में जो कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन होगा। समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी इतना समझने में, तो आपको इंटरसेक्शन समझ आ गया। अब हम लोग उसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान है, बस देखते जाना, तो सब आसान है नहीं तो सब हार्ड है। वेन डायग्राम, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर बनाते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए, तो रेक्टेंगुलर बना लिए ये यूनिवर्सल सेट। अब दो सेट है ए और बी, तो दो सेट दोनों बना लो, अरे आसान है बस समझते जाना। एक ये ए सेट है, सर्किल है, थोड़ा गलती हो रहा है से ना, एक बी सेट है, सर्किल नहीं बन पा रहा, थोड़ा अच्छा सर्किल बना लीजिएगा आप लोग। तो इस दोनों में तुमको कॉमन क्या दिख रहा है खुद से बताओ, तो ये ए सेट है, ये बी सेट है, और ये जो है ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल के लिए डायग्राम है, ये सेट ए का डायग्राम है, ये सेट बी का, यूनिवर्सल का। अब सेट ए का सर्किल है, सेट बी का भी सर्किल है, तो मैंने बताया था, और यूनिवर्सल में क्या हालत होता है, रेक्टेंगल, इतना तो सबको पता है, वेन डायग्राम तो सबको बनाना है यार। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कॉमन, इस दोनों में कॉमन क्या है जरा बताना, ये वाला पार्ट है ना, तो यही कहलाएगा ए इंटरसेक्शन। समझ गए, बोलो यस सर। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं बहुत जरूरी है, तो यूनियन की प्रॉपर्टीज याद है, तो तुमको इसकी भी प्रॉपर्टीज याद है, बस कुछ नहीं करना है, आसान है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको लिख नहीं सकते हो, बी इंटरसेक्शन है, बोलो यस सर। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या, उसमें भी लिख सकते, लिखते थे ए इंटरसेक्शन ए, तो क्या होगा, ए ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो यस सर। तीसरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कोई दिक्कत, बोलो नो सर। चौथा ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, और ये हो जाता है ए, सबसे बड़ा बात। वहां पे क्या था ए यूनिवर्सल में, वहां पे बोलोगे वहां पे तो सर था यूनिवर्सल, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया ए, सबसे बड़ी बात याद रखने वाला, याद क्या समझने वाला। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन, कॉमन ही ना होता है, सिर्फ कॉमन जो होगा वो इंटरसेक्शन सेट कहलाता है। तो ये एक ए सेट है और ये एक यूनिवर्सल सेट है, इस दोनों में कॉमन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में तो सभी नंबर आ जाएंगे ना सेट ए के, तो सेट ए के कितने नंबर आएंगे, वही तो कॉमन है, वही
किसको मैंने यहाँ लिखा, किसी को दिक्कत? बोलो नो सर। अब पांचवा बात सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे लॉजिकल, जो सबको आता होगा। तो चारी बात समझो, बहुत आसान है और सब तो समझ जाओगे प्रॉपर्टीज, बस इतना समझ लो। किसी को कोई दिक्कत इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टीज समझने में? बोलो नो सर। हम लोगों ने आज ऑपरेशंस ऑफ सेट्स वेन डायग्राम पहले पढ़ा ना, वेन डायग्राम सबको समझ आ गया होगा। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में हम लोगों ने आज दो टॉपिक कवर किए, एक क्या यूनियन, एक क्या इंटरसेक्शन। अब तीसरा जो है वो है डिफरेंस, और चौथा जो है वो है कपलिमेंट। दो और बचे हैं इसमें, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि संडे को। संडे को जो लेक्चर मिलेगा उसमें आपको ये दो टॉपिक्स मिलेंगे, डिफरेंस और कंप्लीमेंट। तो मैं आप लोगों से फिर से वही बात, वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें मेरे वीडियोस को। और मैं अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस जरूर हूँ कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आपको वो सफिशियंट है, IIT मेंस या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए ये सब सफिशियंट है। और जो आपको स्टडी मटेरियल और नोट्स मॉड्यूल जो प्रोवाइड किया कराया जाएगा इस चैप्टर के एंड में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जब ये चैप्टर खत्म होगा, जिस दिन इसका लास्ट लेक्चर होगा, उस दिन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का मॉड्यूल आपको PDF में मिलेगा। तो वो आप बनाने की कोशिश करें, और वो मॉड्यूल भी डिस्कस होगा यहाँ पे। मैंने क्या बोला, वो मॉड्यूल भी यहाँ पे डिस्कस होगा, उसके लाइव सेशंस होंगे आपके आपके लिए। तो आप, बस मैं यही चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट करें और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें। एक बात फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मॉड्यूल जो मिलेगा उसके सॉल्यूशंस भी होंगे, और वो भी लाइव सेशन में होंगे, लाइव कराया जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो बस और क्या, थैंक यू।